हे गाइस, वेलकम टू द गेट कॉर्नर। गेट कॉर्नर की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि विजाग स्टील की तरफ से जो इंजीनियर्स के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ आई हैं, उस वैकेंसीज़ के बारे में मैं यहाँ बात करूँगा और मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ बात कर लूँगा। जैसे कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट इसको भर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एज का क्या मैटर है यहाँ पे, एंड उसके बाद मैं एप्लीकेशन फ़ी कितनी है उसके बारे में बात कर लूँगा। उसके बाद मैं बात करूँगा कुछ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो और उसके बाद कुछ मैं बात फिर उसके बाद मैं आपको उसकी मेन वेबसाइट पर लेके जाऊँगा और मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें आप इस वीडियो में आपको पूरी अंत तक आप देखिए, इस वीडियो में आपको मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रजिस्ट्रेशन करने में, फॉर्म फिलअप करने में, अगर आपने वीडियो देखी है तो। ठीक है दोस्तों, तो आपको सीधे मैं ले चलता हूँ यहाँ पर। आप मेन जो विजाग स्टील की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ये जो रहा नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा भी है अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन अ नवरत्न कंपनी एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल। तो मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट के लिए यहाँ विजाग स्टील ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है उनके साथ जुड़ के काम करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है वो किसके लिए दी है, मतलब मैं बात करना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं वो सबसे ज़्यादा किस में है। नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं सबसे ज़्यादा आपकी मैकेनिकल्स में आई है। मैकेनिकल में 188 में से सब जो मैक्सिमम जो मैकेनिकल के लिए पोस्ट है वो 77 है, और उस 77 में से भी अनरिजर्व के लिए 28, ओबीसी के लिए 31 एंड एससी के लिए 8 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीट्स आई हुई हैं। तो टोटल जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो 188 हैं, उसमें से आप देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए 72, ओबीसी के लिए 69, एससी के लिए 24 और ईडब्ल्यूएस के लिए 23 सीट्स आई हुई हैं। और उसके बाद कुछ और स्ट्रीम्स हैं, उन स्ट्रीम में कुछ खास पोस्ट नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर मैं आप अपनी नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो मैं बात करूंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भी स्ट्रीम्स यहां पे बताई गई हैं विजाग स्टील की तरफ से, इन स्ट्रीम्स में जिस भी स्टूडेंट्स ने अपनी बैचलर डिग्री कम्प्लीट की है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन मेन जो पॉइंट है वो ये है कि अनरिजर्व और जनरल कैटेगरी वाले को मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए होंगे इस डिग्री में। और उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए यहाँ पे 50% मार्क्स की मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आपके मार्क्स 50% से कम हैं एससी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में तो ये आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपके मार्क्स डिग्री में 60% से कम आए तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो मैं बात करूंगा एज की। जो मैक्सिमम एज है जनरल कैटेगरी की वो है आपकी 27 ईयर्स। एंड अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो एज रिलैक्सेशन में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है आपके एससी के लिए, 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है आपके ओबीसी के लिए एंड 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। अगर मैं नेक्स्ट प्रोसेस की बात करूँ तो अब मैं बात करूंगा सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हैं ये लिखा है सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू। पहले आपका एक सीवीटी टेस्ट होगा, उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स उस टेस्ट से शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी। उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो एग्ज़ाम फ़ी की बात कर लेता हूँ। एग्ज़ाम फ़ी में आप देख सकते हैं 590 रुपीज़ फॉर ओबीसी एंड अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट्स, और अगर मैं बात करूं 295 रुपीज़ फॉर एससी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। और ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं हाउ टू अप्लाई वाला, ये सेक्शन में आपको इस वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा किस तरह से आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। अगर मैं बात करूं, अब कुछ बात करता हूं मैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करूं तो यहां पे जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगा, एंड उसमें 200 आपके एमसीक्यूज़ होंगे। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे वो आपको इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा।
तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें से मेन मेन जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं, उसके बाद में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। यहाँ मैं बताऊँगा कि बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ पे सीधे आया हूँ www.vizagsteel.com पे, जो कि आपको उसके बाद ये ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहाँ आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ करियर्स लिखा है, तो उस करियर्स के ऑप्शंस को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे करियर्स पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके पास एक नया पेज खुल जाएगा, जो कि ऐसा पेज ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा है क्लिक हेयर टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल। तो आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा, वो कि ये है। इस पेज पे आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हैं, जो कि आप देख लीजिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके पास एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ एग्ज़ामिनेशन, यहाँ पे आपके एग्ज़ामिनेशन के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे कि इसमें लिखा है कि एग्ज़ामिनेशन आपका इंग्लिश या हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में होगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ लिखा है, जैसा कि मैंने आपको ये चीज़ पहले बता दी है, कि इस एग्ज़ाम का ड्यूरेशन जो है 2 hours 30 minutes का ड्यूरेशन है, और टोटल जो क्वेश्चंस होंगे MCQs होंगे जो होंगे वो होंगे आपके 200, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको ये सब पढ़ लेना है, और आपको नीचे आप देख सकते हैं थोड़ा जूम करके देखेंगे तो यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखेंगे यहाँ एक चेक बॉक्स आ रहा है, तो यहाँ पे आप उसको चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप एक कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन को क्लिक करेंगे वैसे ही आपका एक नया पेज खुल जाएगा, जैसे कि ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ विजाग स्टील का लोगो आ रहा है, यहाँ लिखा है बेसिक रजिस्ट्रेशन। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए आप सबसे पहला जो यहाँ पे बॉक्स है वो देख सकते हैं अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। इस अपना जैसे जो भी कैंडिडेट जिस भी स्ट्रीम में इन्होंने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की है तो आप यहाँ सिविल इंजीनियरिंग चूज़ कर लीजिएगा, अगर आपने मैकेनिकल से अपनी बैचलर डिग्री की है तो आप यहाँ मैकेनिकल डिग्री अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद नेशनैलिटी भर दीजिए, उसके बाद आप अपने एप्लीकेंट का नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम हैं, उसके ये सब भरने के बाद उसके बाद आप यहाँ कैटेगरी भर सकते हैं, फिर आप डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ ईमेल एड्रेस कंफर्म कर दीजिए उसको, एंड मोबाइल नंबर भर के उसको कंफर्म कर दीजिए, और यहाँ पे आप अपना कैप्चा भर दीजिए इसमें, और यहाँ पे आप फाइनल सबमिशन कर दीजिएगा। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे वैसे ही आपके पास जो भी आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया है, जो भी आपने अपना मोबाइल नंबर दिया है, दोनों ही रजिस्टर्ड मोबाइल और रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर आपके पास आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं मेरी यूज़र आईडी ये है और पासवर्ड ये रहा, तो इस तरह से आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप यहां देख सकते हैं प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉगिन। तो यहां पे आप जैसे ही लॉगिन के लिए क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, जहाँ जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आप अपनी यहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे, वही यूज़र आईडी पासवर्ड जो कि विजाग स्टील ने आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर सेंड की है। तो आप जैसे भी हैं यहाँ पे आप ये अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि चेंज पासवर्ड आपका या ओल्ड पासवर्ड में आप वो पासवर्ड भरेंगे जो कि आपको विजाग स्टील की तरफ से मिला गया है। उसके बाद आप अपना न्यू पासवर्ड भर देंगे, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड कर देंगे, आप कोई भी अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अपना चेंज पासवर्ड कर देंगे, जब आपका सक्सेसफुली आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप इसी इंटरफेस में जैसे ही आप मैंने पहले लॉगिन किया था यहीं से आपका मेन आपकी लॉगिन आईडी और जो न्यू पासवर्ड आपने चेंज किया है वो आप भर के लॉगिन कर सकते हैं फर्दर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो दोस्तों मैंने आप इस वीडियो में डिटेल आपको बताया कि किस तरह से नोटिफिकेशन में मेन मेन पॉइंट्स क्या हैं, और मैंने आपको बताया कि बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि
इस फॉर्म को आप कैसे फिल कर सकते हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बताया, अगले पार्ट में मैं आपको फॉर्म फिलअप करना बताऊँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।